गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मेरी तबीयत थी बहुत ख़राब, तो जैसा कि डेली मैं 5 बजे उठती थी, तो आज भी 5 बजे ही उठ गई थी। बट मैंने सोचा कि आज मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मैं से स्कूल नहीं जाती और आज ऑफ़ ले लेती हूँ। लेकिन अगले ही मिनट मुझे याद आया कि वही बेटे की यूनिफॉर्म तो कल वॉश नहीं की है, क्योंकि कल भी तबीयत डाउन थी और थर्सडे भी था। थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसीलिए सुबह सुबह मुझे ये बेटे की शर्ट धोनी थी, क्योंकि उसके स्कूल जाने से पहले मीन 7 बजे से पहले ये सूख भी जानी चाहिए और इस पर प्रेस भी हो जानी चाहिए। तो मैं लग गई अगले ही मिनट कपड़े धोने, और फिर जब मुझे लगा कि भाई शर्ट तो मुझे धोनी ही पड़ेगी, तो बहुत ज़रूरी है, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे 2-3 सूट भी पड़े हैं जो कई दिन से ऐसे ही टंगे हुए हैं, जो धोने थे मुझे हाथ से, मशीन में नहीं धोती जिनको। तो मुझे लगा कि भाई हाँ, आज छुट्टी कर ही ली है, तो ये जो कई दिन से पेंडिंग काम है उसको भी मैं पूरा कर लेती हूँ। तो इस सुबह सुबह मैं धोने लगती थी कपड़े 5 बजे ही, मतलब जैसे ही मुझे ये आया ध्यान के भाई हाँ आज रेस्ट कर लेती हूँ, तो अगले ही मिनट मुझे काम भी याद आ गए। तो चलो सुबह सुबह ही, मतलब यूँ लगा के भाई हाँ एक काम तो कर लेती हूँ। और मुझे यूँ लगता है कि तबीयत भले ही कितनी भी ख़राब हो, लेकिन अगर पूरे दिन कुछ एक्स्ट्रा काम ना कर पाऊँ ना, तो मुझे मतलब यूँ लगता है कि भाई छुट्टी ख़राब होगी, वेस्ट होगी हमें छुट्टी के, भाई कुछ काम भी नहीं हुआ और स्कूल भी नहीं गई, मतलब वहाँ छुट्टी भी लग गई है और कुछ घर का भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाया। तो ये सुबह सुबह मैं धो रही थी कपड़े, और इसके बाद बारी थी ब्रेकफास्ट की, लंच की। तो वैसे तो जनरली मैं ब्रेकफास्ट लंच इकट्ठा ही बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि भाई कई दिन से बेटा मुझे बोल रहा है कि भाई सैंडविच मुझे स्कूल लेके जानी है ब्रेकफास्ट। तो जब मैं खुद ड्यूटी जाती हूँ तो इतना टाइम नहीं होता कि ब्रेकफास्ट मैं अलग से बनाऊँ और लंच अलग से बनाऊँ। तो आज फिर मुझे ध्यान आया कि भाई छुट्टी तो कर ही ली है मैंने, तो क्यों ना आज बेटे को भी खुश कर दिया जाए। मीन्स बच्चा है तो मतलब अच्छा लगता है बच्चों की डिमांड्स पूरी करना, और बच्चे भी खुश होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वो उठे तब तक मैं उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना दूँ। कई दिन से वो बोल रहा था और मैं मतलब उसको ऐसे ही आजकल करके टाल रही थी, क्योंकि तबीयत दिवाली से पहले से ही मेरी डाउन चल रही, मतलब एक्स्ट्रा काम करने की हिम्मत ही नहीं होती, और जो डेली रूटीन के काम है वही बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। तो बस इसी चक्कर में टाइम चला जाता है, ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रही। तो आज सोचा कि भाई क्यों ना बच्ची की डिमांड भी आज मैं पूरी कर देती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आलू धो लिए और उनको अभी मैंने उबालना है। तो उबालने से पहले, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मैं सुबह गैस पर ज़रूर कपड़ा मारती हूँ, मतलब पहले गैस को साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो उसका क्या रीज़न है वो मैं लिंक दे दूँगी, आप वीडियो में जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें फिर से बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस ये कपड़ा मैंने मार लिया है और अब मैं आलू रख दूँगी उबलने। तो मैंने आलू थोड़े से ले लिए थे ज़्यादा, ताकि जो उबले हुए आलू हैं उनकी चटनी बन जाए, या फिर रायता या सब्जी कुछ भी, मतलब लंच के लिए भी वही यूज़ हो जाए, मुझे अलग से ना दूसरी सब्जी बनानी पड़े। तो जो बड़े आलू हैं उनको मैं कट करके डाल रही हूँ, छोटे आलू एज इट इज़ डाल देते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। तो बस ये आलू कट चुके हैं, इनमें हम अंदाजे से थोड़ा पानी डाल लेंगे, और फेस से भी आपको पता चल रहा होगा कि भाई हाँ तबीयत कितनी ढीली है। बट रूटीन के जो काम है ना वो हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब लेडीज़ कोई भी हैं, चाहे वो
ऑफिस से छुट्टी ले सकती हैं, लेकिन घर से छुट्टी उन्हें कभी नहीं मिल सकती। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रात को भी तबीयत डाउन थी, तो रात तक के भी बर्तन पड़े थे। तो फिर जितनी देर में आलू उबले, तो मैंने सोचा जब तक ये बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि मतलब किचन में खड़ी रहती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि भाई जितने काम निपट जाए मैक्सिमम तो निपटा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर भी थोड़ा एनर्जी रहती है। तो मुझे पता था कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और काम करती जाऊँगी तो उतनी थकान भी बढ़ती जाएगी, तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो इसीलिए लगी हुई थी कि मैक्सिमम काम जितने भी निपटा सकूँ मैं, जल्दी जल्दी वो निपटा लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि भाई बर्तन पड़े रहें, बर्तन बर्तन या किचन गंदी रहे, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो और क्या होता है कि जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है ना हमारे साथ, मीन्स हम खुद भी बीमार हैं या कहीं बिजी हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पे ना मेड भी एकदम साथ छोड़ देती है। मतलब उसको भी उसी टाइम पे छुट्टी चाहिए होती है, तो वो भी दो तीन दिन से नहीं आ रही है, तो इसीलिए मुझे ही ये सब करना पड़ रहा था। तो क्योंकि वैसे सफाई और बर्तन तो मैं उसी से कराती हूँ, बट अब वो नहीं है तो सारा मुझे ही देखना था। और ये खाना पीना, बर्तन, बच्चे संभालना, ये काम ना मतलब हम बीमार हैं सही है, टाइम है नहीं है, मतलब हम नहीं छोड़ सकते इन चीज़ों को ना। लेडीज़ की लाइफ में छुट्टी नहीं है, मतलब हॉलीडे है ही नहीं उनके डिक्शनरी में, मतलब उनको काम करना ही करना है, तबीयत सही है नहीं है जो भी कुछ है, मतलब ये हमारी मजबूरी लगा लो, ड्यूटी लगा लो या कुछ भी लगा लो। और इन सब चीज़ों को तो देखते हुए मैं कई बार सोचती हूँ कि भाई मतलब औरत ना हो तो कैसे काम चले, कैसे परिवार चले, मतलब कौन से परे है ये चीज़ तो, कि भाई हाँ औरत के बगैर अगर हम एक दिन भी इमेजिन करके सोचें इस दुनिया में, तो मतलब कैसा रहेगा। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, चाहे हम लें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे ना लें, लेकिन लोग मतलब ज़बरदस्ती दे ही देते हैं। देना क्या है, मतलब ये एक तरह से अंडरस्टूड सा होता है कि भाई हाँ घर में औरत है, लड़की है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में है, मदर है चाहे सिस्टर है, भाभी है या वाइफ है, बेटी है, कोई भी है, मतलब ये ऑटोमेटिकली है कि भाई घर संभालना, देखना कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी मतलब जिम्मेदारी ना औरत की ही है। और मायके में भी ससुराल चली जाओ तब भी मतलब ऐसा ही है। तो अब जैसे मैंने सुबह उठ के कपड़े धोए, तो मतलब ये काम मेरा ही था कि भाई बेटे को यूनिफॉर्म पहन के जानी है धुली हुई, तो डेली मैं वॉश करती हूँ, और एक दिन पहले मैंने वॉश नहीं की, तो मतलब ये काम मुझे ही याद रखना है कि वॉश हुई है कि नहीं हुई है। तो अब मेरे आलू उबल चुके हैं, और मैंने कुछ आलू छील लिए थे जिनसे मैंने सैंडविच बनाने हैं, और उनको मैंने धीरे धीरे स्पून से ही मैश कर लिया। और ये मैंने बच्चों के लिए बनाने थे स्पेशल सैंडविच, तो इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला, प्लेन सैंडविच मैंने ये बनाए हैं। और वैसे अगर हमें अपने लिए बनाने हैं तो हम इसमें लाल मिर्च या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और छोटे छोटे प्याज भी काट के डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। तो इनको अच्छे से मैश कर लीजिए, और उसके बाद ये मेरे है सैंडविच मेकर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब इसको हमें पहले करना होता है गरम, तो अभी मैंने स्विच इसका ऑन कर रखा है और ये गरम हो रहा है। और मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ इस टाइप की घी में, देसी घी में, तो उसमें लगा देंगे घी थोड़ा सा गरम होने के बाद, ताकि वो चिपके ना उसमें। और घी लगाने के बाद हम दो ब्रेड लेंगे, उसमें एक पर पूरी में आलू को अच्छे से फैला कर इक्वली अप्लाई कर लेंगे। और बस अब जो दूसरा ब्रेड है वो हम इसके ऊपर रख के और सैंडविच मेकर में लगा देंगे। और अगर चाहे तो आप
ऊपर की साइड भी घी लगा सकते हैं, मीन्स जो ये ब्रेड मैंने इसके ऊपर रखा है, चाहें तो इसके ऊपर भी घी लगा सकते हैं, बट मैंने फ़िलहाल नहीं लगाया है क्योंकि बच्चा है, मीन्स खाने में पसंद करे ना करे, स्कूल उसको देना था मुझे, तो ऐसा ना हो कि मतलब उसको अच्छा ही ना लगे और वो वापस ले आए। तो अभी आपको दिख रहा होगा एक येलो लाइट है, एक बंद हो गई रेड लाइट थी, तो अब वो मतलब उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। ये हल्की ग्रीन थी, आपको वीडियो में शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, और ये एक डेढ़ मिनट लेता है, मतलब उसके बाद साइड वाली अपने आप रेड लाइट ऑन हो जाएगी, तो उसका मतलब है कि हमारा जो सैंडविच है वो बन चुका है। और जैसे ही रेड लाइट इसकी ओपन होगी तो हम सैंडविच मेकर को भी ओपन कर लेंगे, और उस टाइम वो होता है बहुत गर्म, तो हमें किसी चीज़ से पकड़ के उसको उठाना है, नहीं तो हाथ जल सकता है। और ये सैंडविच मेकर भी जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और साइडों से बाहर से भी गर्म होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्टली टच नहीं करना, ये जो सामने जो इसका हैंडल है सिर्फ उसे ही पकड़ना है। और अब देखिए ये रेड लाइट हो चुकी है और मैंने ओपन किया है, तो ये हमारा सैंडविच बन के है रेडी, और बस मैं इसको अब निकाल लूँगी। और ये देखिए इसका लुक देखने में भी ये बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है और बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। और अगर आपको ये लगे कि भाई कम क्रिस्पी है या फिर अभी और अच्छा बनना चाहिए, तो सेकंड टाइम भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने जो और सैंडविच बनाए थे उनको मैंने मीन्स जो बॉक्सेस वाले डिज़ाइन में बनाया था, मीन्स उठा के उसको पलट दिया था, तो मतलब डबल लाइंस उस पर आ गई थी। और बस अब ऐसे ही करके सेकंड लगा देंगे हम, उसको ऑन रखना है, बंद नहीं करना बीच बीच में, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। और बस सेकंड ब्रेड पे भी हम ऐसे ही आलू को अप्लाई करके और उसमें लगा देंगे, और फिर से घी लगाना, मतलब जितनी बार सैंडविच बनाने हैं हर बार उसमें पहले घी लगाना है, और उसके बाद हमें लगा देना है इसमें सैंडविच, और फिर से वही सेम प्रोसीजर कि हमें उसे बंद कर देना है, और बंद होने के बाद वो एक डेढ़ मिनट जो भी टाइम ले वो लेगा। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें ऊपर के साइड भी घी लगा दिया है, और जब ये बन जाएगा पूरा रेडी हो जाएगा तो हमारी रेड लाइट ऑन हो जाएगी और एक छोटी सी टक की आवाज़ आती है, मतलब जैसे ही लाइट चेंज होती है ना ग्रीन से रेड में जाती है तो ऐसे कुछ टक की आवाज़ आती है, तो रेड लाइट ऑन हो जाती है, तो वो भी हमें समझ आ जाता है कि भाई हाँ हमारा सैंडविच बनके रेडी है। और ये मतलब बहुत इजी सा तरीका है, कुछ इसमें डाला भी नहीं, सिर्फ आलू उबाले, नमक मिलाया और बस सैंडविच हमारे तैयार। आलू उबलने में ही लगेगा जो टाइम लगेगा, सैंडविच बनने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो बस ये सेकंड सैंडविच मेरा हो गया है रेडी, और बाकी के सैंडविच मैं बाद में बनाऊँगी, मतलब हस्बैंड को जब भी ब्रेकफास्ट करना होगा तभी, क्योंकि बेटा जल्दी जाता है, तो बस ये उसके लिए मैंने बनाए थे और उसको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो इसलिए मैंने डबल डबल पलट के उसको बनाए हैं। मतलब वैसे तो दोनों साइड से एक जैसे सिकाई हो जाती है, बट और अच्छे से क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने उसको फिर से उसमें लगा दिया था, और टिफ़िन में रखने के लिए मैंने उसमें से बीच में से कर दिया कट। और आप चाहें तो इसमें जो है टमाटो या अनियन ककड़ी, और दिन में ये मेरे बच्चे कर रहे थे मस्ती। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके।